आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। बड़ी खबर यह है कि शाह फैजल, जो कि काफ़ी देर से ये बात सामने आ रही थी कि वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, हालांकि शुरुआती दिनों में उनका रुझान कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ था, लेकिन फिर उन्होंने जब अपने कुछ फेसबुक और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले, जिसके बाद काफ़ी जगह जो है ट्रॉलिंग होनी भी शुरू हो गई नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर, तो फिर उन्होंने एकदम से अपना जो है मूड चेंज किया और ये कहा कि वो एक अपनी अलग पार्टी लेके आएंगे और वो सियासत में उतरेंगे, जिसके बाद अब एक घोषणा हो गई है और 17 मार्च को एक बड़ी रैली के अंदर जो है वो अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे। और सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी आ रही है कि उनकी पार्टी का नाम J&K पीपल्स मूवमेंट होगा। J&K पीपल्स मूवमेंट के नाम पर शाह फैजल अपनी पार्टी शुरू करने वाले हैं और इसके अंदर 17 तारीख को जो JNU की जो एक्टिविस्ट हैं शेहला रशीद, वो भी ज्वाइन करने जा रही हैं शाह फैजल की पार्टी। ये एक और बड़ी खबर है कि शेहला रशीद भी शाह फैजल की पार्टी ज्वाइन करने वाली है। हालांकि कुछ खबरें इस तरह की भी थी कि शायद शेहला रशीद जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर सकती है, लेकिन एकदम से एक नया रुख आया है, शाह फैजल को ज्वाइन करने वाली हैं शेहला रशीद, वो भी 17 तारीख को, जिस दिन शाह फैजल अपनी पार्टी का नाम की घोषणा करेंगे। और जो अभी तक उस प्रोग्राम के बारे में बताया जा रहा है तो लगभग 20,000 लोगों के आने की भी संभावना है उस पूरी की पूरी रैली में, जो कि एक बड़ी बात है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट JNU की रह चुकी हैं शेहला रशीद, उनके लिए खास करके जिस तरह से बात की जा रही थी कि वो भी ज्वाइन कर सकती हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी, जिसके अंदर ये भी नाम सामने आ रहा था कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर सकती हैं या फिर वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन अब एक चीज़ सामने साफ हो चुकी है कि शाह फैजल की पार्टी को ज्वाइन कर सकती हैं शेहला रशीद। और बड़ी चीज़ ये भी है कि शेहला रशीद जो ज्वाइन करने वाली हैं शाह फैजल को, उससे एक बड़ा सेटबैक भी पहुँचेगा, ख़ास करके बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को, क्योंकि कहीं ना कहीं PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से एक कश्मीर के अंदर ये बना के रखा था कि कोई और पार्टी सामने नहीं आ सकती, तो थर्ड फ्रंट के तौर पर एक बड़ा नाम J&K पीपल्स मूवमेंट का भी अब सामने आ रहा है, जिसके अंदर शाह फैजल अपनी पार्टी की घोषणा तो करेंगे ही और उसके साथ साथ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट JNU स्टूडेंट यूनियन से और अभी जो फ़िलहाल PhD भी कर रही हैं टेक्नोलॉजी एंड सिटीज़न स्टेट रिलेशनशिप में शेहला रशीद, वो ज्वाइन करेंगी शाह फैजल की पार्टी। अब शेहला रशीद के बारे में अगर बात की जाए तो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज में ऑलरेडी शेहला रशीद का नाम ऑलरेडी आ चुका है और एक बहुत बड़ी क्रिटिक भी हैं नरेंद्र मोदी की। और साथ साथ में अगर बात की जाए तो जिस तरह से JNU के अंदर कुछ ऐसे नारे लगाए गए थे जिसके अंदर आतंकवादी अफजल गुरु के लेकर भी और उसके बाद बुरहान वानी को लेकर भी, तो काफ़ी भी शेहला रशीद, कन्हैया कुमार और कुछ लोग और आ गए थे, जिसके बाद काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात भी की जा रही थी। लेकिन अब बड़ी चीज़ जम्मू कश्मीर की सियासत की अगर बात की जाए तो 2019 के जहां पर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं, वहीं आने वाले दिनों में असेंबली इलेक्शन भी हो सकते हैं जिनकी अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि शेहला रशीद अब शाह फैजल की पार्टी को ज्वाइन करेंगे, जो कि 17 तारीख को शाह फैजल अपनी पार्टी की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि शाह फैजल को जहाँ पर शाह फैजल पार्टी तो बना चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा फंडिंग भी हुई है उनको, तो इसी सब के चलते जो हैं अब उनकी पार्टी का आखिरकार नाम भी सामने आ गया है, J&K पीपल्स मूवमेंट। J&K पीपल्स मूवमेंट 17 तारीख को इस पार्टी के नाम की घोषणा होगी और उसमें शेहला रशीद और कई अन्य गणमान्य लोग भी इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे जिन्होंने अपनी नौकरी से रिज़ाइन किया है शाह फैजल की पार्टी को ज्वाइन करने का। तो एक नया रुख कश्मीर के अंदर, एक नया रुख आ चुका है कहीं ना कहीं, जिसके अंदर जहां पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर NC का ही बोलबाला रहा है, वहां अब शाह फैजल भी एक बड़ी चुनौती बन के सामने आ रहे हैं, जो कि आने वाले इलेक्शन में शायद अब्दुल्लाज और मुफ्तीज़ के लिए एक बड़ी परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। आप लोग देखते रहें JK मीडिया।